तो आप सबने सुना ही होगा दीपिका कक्कर की बेटी के बारे में कि उनकी एक बेटी है और उन्होंने उसे कहीं छुपा के रखा है। और ये भी कहा जाता है कि ये बेटी उनके पहले हस्बैंड से थी और दीपिका ने अपनी बेटी के साथ बहुत ही नाइंसाफी की है। बहुत सारे लोगों ने अपने थंबनेल पे ये पिक्चर लगा रखी है दीपिका की बेटी के नाम से। तो ये इसकी बेटी नहीं है। ससुराल सिमर की ऑन स्क्रीन ने दीपिका कक्कर ने इसका माँ का रोल किया था, मीन्स दीपिका कक्कर ससुराल सिमर में इसकी मम्मी बनी थी। एक इंटरव्यू में दीपिका कक्कर ने कुछ ऐसा बोला था हम तीन सिस्टर्स हैं और मम्मी पापा और मेरे पापा। दीपिका कक्कर तीन बहनें हैं लेकिन कभी भी दीपिका कक्कर ने अपनी बहनों के बारे में जिक्र नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी दीपिका कक्कर की शादी में भी उनकी बहनें हमें नहीं दिखी। रिसेप्शन में दिखी थी लेकिन उन्होंने बताया था जैसे कि उनके मम्मी पापा आए थे, उन्होंने अपने आपसी रिश्ते को भुलाकर दीपिका कक्कर की शादी में आए थे, तो उनकी बहनें क्यों नहीं आई। बहनों के साथ पर्सनल इशू हो सकते हैं लेकिन 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 हम यहाँ बात करेंगे तो फिर वो ज्ञान कैसे देते हैं, खुश रहो, अपने परिवार को लेके चलो, जो है जितना है फैमिली को सपोर्ट करो, ये वो फलान ढिमका। वो अपने ससुराल में इतना अच्छे से दिखाती हैं व्लॉग में कि इनके जैसी कोई अच्छी बहू नहीं है, लेकिन अपनी बहन का कभी भी जिक्र तक नहीं करती अपनी ननद के साथ, मीन सभा के साथ। इस तरह से उनकी बाउंडिंग वो व्लॉग में दिखाती हैं कि जैसे मतलब फिर इनके वो रिश्ते कहाँ गए जो इनके खून के रिश्ते हैं, जो इनकी सगी रियल सिस्टर हैं। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ बात बोली थी और सेम उसी पर रिएक्ट किया है निया फैजी ने, पहले वो आप देख लें। 3 साल तक मैं एक एयर होस्टेस थी और उसके बाद मेडिकल रीजंस की वजह से मैं फ्लाई नहीं कर सकती थी, आई वॉज़ नॉट एलिजिबल टू फ्लाई, तो मुझे वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा। और उसके बाद जब मैं घर जिस दौरान और 2 साल तक इंसान अपने यंग एज में क्यों गायब रहता है ये तो खैर दुनिया ही जानती है। 2 साल तक वो क्या कर रही थी, why she was not medical reason की वजह से बताया था कि medical reasons की वजह से off ले रखा था, ब्रेक ले रखा था 2 साल के लिए। एक यंग गर्ल 2 साल के लिए ब्रेक लेती है मेडिकल हेल्थ कंडीशन की वजह से। दाल में कुछ काला है। तो देखो उन्होंने कभी भी कोई बात क्लियर नहीं की, उनकी फर्स्ट मैरिज से लेकर डिवोर्स तक उन्होंने कभी भी क्लियर नहीं किया। दीपिका कक्कर की तीन बहनें, मिस एक दीपिका कक्कर दो और, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने व्लॉग में ये बात शेयर नहीं की कि मेरी दो और भी रियल सिस्टर हैं। दीपिका कक्कर की तीन बहनें हैं, ये बात दीपिका कक्कर ने अपने व्लॉग में कभी भी नहीं बताया। एक इंटरव्यू में बताया था सास बहू साजिश में, वो भी बहुत साल पुराने, लेकिन जब से इन्होंने व्लॉगिंग की तब से इन्होंने कभी भी शेयर नहीं किया। इन्होंने अपनी मम्मी पापा की बात हम लोगों के साथ शेयर की थी कि उनकी मम्मी पापा दोनों सेपरेट हैं लेकिन इनकी शादी में वो आए थे अपने पर्सनल इशू को भूल कर, इनकी शादी में खड़े हुए थे, तो ये बात भी वो हमारे साथ शेयर कर सकती थी कि मेरी तीन सिस्टर हैं लेकिन किसी पर्सनल रीज़न से हम बात नहीं करते। दैट्स इट। दीपिका को कलर का शो मिला था उसके एक्स हस्बैंड की वजह से, रौनक सैमसन के भाई आलोक सैमसन की वजह से दीपिका कक्कर को कलर्स में शो मिला था, ये बात भी दीपिका कक्कर ने खुद बताई थी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी मींस लेडीज जो निया फैजी बता रही हैं इनके बारे में तो ऐसे ही हवा में नहीं, वो भी इतने सीरियस मैटर के बारे में, तो ये भी एक सोचने की बात है कि कहीं इनकी बात सच हो सकती है। और रौनक जो है वो कभी भी ये बातें बाहर नहीं लाएंगे क्योंकि अगर उनको बाहर लानी होती तो कब की बाहर ला चुके होते, क्योंकि जब इन लोगों ने उनको बहुत कुछ सुनाया था एक रियलिटी शो में तब भी रौनक सैमसन चुप थे, तब भी कुछ नहीं बोले थे। दीपिका के एक्स हस्बैंड की तरफ से तो कोई चांस नहीं है कि वो आकर कुछ बोलेंगे कि हाँ भाई कुछ ऐसा भी था। पर एक बात, इनको दुबई में से वंडर मॉम का अवार्ड मिला था, इनका कोई बच्चा है ही नहीं तो इनको वंडर मॉम का अवार्ड कैसे मिल सकता है, ये भी सोचने वाली बात है ना। तो वंडर मॉम का अवार्ड तो एक माँ को मिलता है लेकिन हो सकता है शायद ये वहाँ की गेस्ट थी तो इसलिए मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से तो वंडर माँ का अवार्ड तो एक माँ को ही मिलना चाहिए। देखो अगर कोई भी गलत बोलता हो जैसे निया फैजी हो या कोई भी, तो ये सामने से आकर कुछ तुरंत बोलते हैं। जैसे इनके पापा पर कुछ बात आई थी तो इन्होंने एक व्लॉग बनाया था और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और फैंस को बहुत ज़्यादा खरी खोटी भी सुनाई थी। ना निया फैजी इनके खिलाफ बातें करना बंद करिए, ना ही ये निया फैजी को कोई रिप्लाई दे रहे हैं। एनीवेज मे बी वक्त आने पर ये कुछ बोल भी लें, अभी तक तो नहीं बोल रहे। वीडियो कैसा लगा, किसी भी रीज़न में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को मीन्स वीरा की दुनिया को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और मोर अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ निया फैजी का व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा उन्होंने और क्या कहा।